Hello guys, welcome or welcome back to Lockery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today we are discuss how to prepare for COET 5 years law entrance exam. इन फोर्टी डेज फ्रॉम जीरो हम लगाकर चल रहे हैं कि हमारे पास अप्रैल का तो फुल मंथ है ही है ठीक है ना टेन डेज हमारे पास मे के भी हम लगाकर चल रहे हैं तो हमारे पास टोटल टोटल फोर्टी डेज हो गए तो जितने भी बच्चे आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं प्रिपरेशन करने के लिए उनके लिए स्ट्रैटेजी है क्या फोर्टी डेज में हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगर आप जो मैं आपको सिलेबस यहाँ पर बताने वाली हूँ वो टॉपिक्स आप अच्छे से कर कर जाते हैं जिस सारी रिसोर्सेज में से आपको बता रही हूँ वहाँ से आप कवर करते हैं ठीक है ना और प्लान फॉलो करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे अच्छे चांसेज हैं आपके कि आपको पी एच यू में एडमिशन मिल सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है तो कौन कौन यहाँ पे बी एच यू बनना चाहता है ए यू में एडमिशन लेना चाहता है कॉमेंट में जरूर लिख के जाना कौन कौन ये प्लान ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला है ये भी जरूर बता के जाना अब यहाँ पर ऑब्वियसली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद हमारी दो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको तो कौन कौन से पेपर देने होते हैं आपको हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज देनी है लीगल स्टडीज देना है और जनरल टेस्ट देना है बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हमारे पास जनरल टेस्ट ट्वेल्थ जनरल स्टडीज तो ट्वेल्थ में नहीं थी तो क्या हम दे सकते है? बिल्कुल कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ट्वेल्थ में सब्जेक्ट होना चाहिए आपको बस अपियर होना एग्जाम के लिए ट्वेल्थ में था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट right, तो यही है उसके बाद यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी सेम है अब यहाँ पे ना आपके जो लैंग्वेजेस के अंदर हैं 33 लैंग्वेजेस और 27 सब्जेक्ट्स जो हैं 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 हैं और जो आपका जनरल टेस्ट है उसमें 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60 ठीक है अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सीबीटी मोड में पेपर होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट हैं मॉक टेस्ट पे काम चल रहा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आने वाले हैं Uh, यार सब्सक्राइब कर देना क्योंकि जो ऑफर है ना वो बहुत कम पीरियड के लिए वैलिड होते हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स पे तो बहुत जल्द हम लॉन्च कर देंगे मॉक टेस्ट ठीक है आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए मॉक टेस्ट आपके पास पहुंच जाएंगे अब यहाँ पर हम मार्किंग स्कीम प्लस फाइव है करेक्ट के लिए माइनस वन है फॉर रॉन्ग आंसर अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं लीगल स्टडीज से कि कैसे पढ़ना है लीगल स्टडीज़ को देखो यार लीगल स्टडीज जो है आपको ट्वेल्थ की एन ऑनलाइन मिल जाएगी वेबसाइट से आ, मैंने लॉगिरी डॉट कॉम पर भी डाली हुई है वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं ठीक है ना ट्वेल्थ की एन कवर करके जानी है आप ट्वेल्थ की एन कोई डिफिकल्ट नहीं है खुद से रीडिंग कर सकते हो मैं क्वेश्चन बना रही हूँ तो मैंने सबका कुछ रीड करना पड़ा मुझे ठीक है जुडिशरी टॉपिक्स ऑफ लॉ कुछ डिफिकल्ट ऐसा नहीं है आर्बिट्रेशन बट हाँ हर लाइन टू लाइन आपको लर्न करना पड़ेगा यूल फाइंड क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट एवरी लाइन ऑफ एन सी आर टी तो एन सी आर टी की जो बुक है उसको डिवाइड करो ठीक है ना कि मेरे पास इतने दिन है ट्वेंटी डेज के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश करो और ट्वेंटी डेज जो बाकी बचे हैं उसमें रिविजन करो नो no डाउट मैंने प्लान के अंदर जो है ज़्यादा ज़्यादा टाइम दिया है बट यहाँ पे स्पीड अप करना पड़ेगा चीज़ों को नोट्स एन की बुक में ही बनाओ इंटरनेशनल कंटेक्स लीगल मैगजिम्स जो हैं ये सारे भी आपको याद करने लीगल मैगजिम्स अगर टू ईच भी करोगे ना एवरी डे तब भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे लीगल मैगजिम्स याद करने के लिए मैगज निकालो उसको रिसर्च करो उसके बारे में समझो एंड यू आर डन ऐसा याद होगा कि आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा टेस्ट की तो क्या ही बात है तो लीगल तो आपको यही करना है ठीक है ना प्रैक्टिस जो है जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आपको मैं देने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस वहाँ से आपकी हो जाएगी लीगल स्टडीज की ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ठीक है थीके? तीन टॉपिक्स बस रह गए बाकी सारे टॉपिक्स हो गए तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना बस पढ़ लो ठीक है ना जितने में मॉक टेस्ट है फटाफट से अटैम्प्ट कर देना उसके बाद आपका आता है इंग्लिश इंग्लिश के अंदर देखो यार आपको क्या पढ़ना है स्पॉटिंग एरर्स मैं आपको बताती हूँ कौन सा क्या कैसे करना है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले वन वर्ड सब्सट्यूजन ईडियम सानोनिम एंटोनम्स जो है ट्वेंटी ईच जो है हर रोज याद करो एस पी बख्शी की बुक में से ठीक है ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करके खत्म कर दो उसके बाद आ जाओ एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेज प्रेपोजेशन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जंबल सेंटेंसेज ये सब करो लैटिन टर्म्स याद कर सकते हो वो करो फिगर्स ऑफ स्पीच ठीक है ये वाले टॉपिक्स करके फिर आप स्पॉटिंग एरर्स और ग्रामर करो एस पी बख्शी के लिए जा सकते हो कोई और बुक है इंग्लिश की आपके पास ऑलरेडी जिसमें ये सारे टॉपिक कवर्ड है वहाँ से भी पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आता है आपका जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट जो है ना उसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं एक ही टेस्ट के अंदर तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स भी है स्टैटिक जी के भी है मैथ्स भी है लॉजिकल भी है ठीक है ना ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं ठीक है कौन कौन से टॉपिक्स टॉपिक्सने देखो मैथ्स के लिए तो सिंपली मैं बोलूंगी एटीन डेज वंडर बाय एस्टर्न जो है वो लगानी स्टार्ट कर दो एटीन डेज वंडर बाय एस्टर्न एग्जाम्पल सॉल्व करनी है एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जो ये सॉल्व कर देगा ना बड़े आराम से पेपर में बाजी मार जाएगा सिंपल ठीक है ना उसके बाद सीरीज कंप्लीशन कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन पजल टेस्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट और वन आउट स्टेटमेंट कंक्लूजन ये सारे जो है मैं कहूंगी आप अरिहंत अरिहंत की बुक में से या फिर आर एस अग्रवाल की बुक में से आप ये कर सकते हैं अगर आप बहुत ही ज्यादा सीरियस कैंडिडेट हैं आपको ये कि कुछ भी नहीं लूज आउट करना है तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए एम के पांडे की बुक ले सकते हैं तो ये आपकी बुक्स हैं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर भी आपको स्टैटिक जी के जो है आप ये बुक खरीद सकते हैं ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज क्वेश्चन मनोहर पांडे की इसमें से कर सकते हैं या फिर अगर यूनिवर्सल्स की बुक है तो ये सारे टॉपिक्स वहां से लगा सकते हैं ठीक है बात करते हैं करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स जो है अगर आपने एजुगिरी को फॉलो किया है रेगुलरली ठीक है ना तो एजुगिरी के जो नोट्स हैं आपके पास आप उसको फॉलो कर सकते हो नहीं तो लॉगिरी डॉट इन के वन शॉट्स लगा सकते हो अगर वन शॉट्स यू नो जो है वीडियो लेक्चर्स हैं सेवन टू एट आवर्स का कॉन्टेंट आपका वन फुल मंथ का कवर हो जाता है डी नोट्स भी हैं इसके अंदर ठीक है ये नहीं लेने हैं आपको बहुत कम टाइम है आपसे नहीं हो रहा है तो आप जैन फेब मार्च अप्रैल के जो एम हैं वो भी इस एग्जाम के लिए सिर्फ एम सी क्यूज़ भी इन चार महीनों के कर कर जा सकते हैं और जो मॉक टेस्ट में दिया होगा वो करके जा सकते हैं या फिर प्रतियोगिता दर्पण में से कर सकते हैं ये आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो रहती हैं ठीक है तीन ऑप्शंस दे दिए कोई भी ऑप्शन में कर दीजिए नवंबर टू मई तक का तो मिनिमम आप करके जाइए ठीक है ना इतना ही करना है आपको ठीक है एंड ये आपका टाइम टेबल है मॉक टेस्ट जो है आपको मिल जाएंगे अप्रैल यहाँ तक आपको मिल जाएंगे मतलब ठीक है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो एंड येस फॉलो दिस शेड्यूल कौन कौन कह रहा है चैलेंज एक्सेप्टेड जरा लिख कर जाओ ठीक है और कोई भी दिक्कत है कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में नहीं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं एट आई एम लॉगरी पर वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी हम डाउट्स लेते हैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं डाउट्स लूँ अगर बाई चांस आपका नहीं लिया जाएगा डाउट तो बुरा मत माना कोशिश पूरी रहती है कॉमेंट भी कर सकते हो एंड यस मॉक टेस्ट अगर बाय करने हैं तो यार कमेंट करके जाना कि हां हमको मॉक टेस्ट बाय करने हैं सब्सक्राइब कर जाना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जाना ताकि जैसे ही मॉक टेस्ट चले जैसे ही वो वीडियो आए कूपन कोड वाली आप सबसे पहले खरीद लो और अपना डिस्काउंट कोड लगा के डिस्काउंट ले जाओ ठीक है तो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है जरूर बता के जाना दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ एज यू सुपरसून बाय एंड टेक केयर